हम अभी जा रहे हैं, अभी रखते हैं। गाइस नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा प्यारा ब्लॉग अशोक सदूरी ब्लॉग में, दिल से स्वागत है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं भगवान के पास ठीक ही होंगे और स्वस्थ होंगे, सुंदर होंगे। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल घंटे के द्वारा मेरे चैनल पर कमेंट लाइक कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, मैं भागलपुर आ चुका हूँ, कचहरी में मैं जा रहा हूँ। चतुर्वर्गीय कर्मचारी का धरना है, उसमें हम भी शामिल है। और चलिए सामने पहुँचने वाले DM के ऑफिस के समक्ष समरणालय में, ठीक है। और चलिए वहाँ पर दिखाते हैं क्या धरना में कितना आदमी जुटा। आज पहली बार ऐसा धरना में मैं जा रहा हूँ, जानकारी मिला। आते जाते भागलपुर बहुत है लेकिन कभी धरना में नहीं बैठ पाया और नहीं कभी मिल पाया। आज धरना है और बहुत कर्मचारी बेरोजगार शिक्षित बेरोजगार कर्मचारी जुटे हुए हैं। आज धरना DM के समक्ष रख रहे हैं, उसमें चलिए मिलते हैं, शामिल होते हैं, ठीक है। चलिए मेरा धरना, ठीक है, बाय बाय। कई दिन के बाद दोस्तों भागलपुर में बारिश हो रहा है, बारिश आया है, बूंदाबूंदी होने लगा। अब देखिए पानी जमता है तो कुछ गर्मी घटेगा साथ में, क्योंकि बहुत गर्मी है। अरे देखिए एकदम और बादल मेघ लगाया भाई, देख पूरा काला मेघ बादल, एकदम अंधेरा लगने लगा, ठीक है। लगता है आज बारिश कुछ ना कुछ होगा, सर पर पानी गिरने लगा साथ में। चलिए मोबाइल को रखते हैं सुरक्षित, ठीक है, फिर ऐसे मोबाइल में पानी चला जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। रखते हैं, मतलब हमारा राजा जो होता है वो हमेशा सही होता है, इसीलिए हम लोग अभी तक अस्तंत है, क्योंकि हमारे जिलाधिकारी महोदय एक कहा जाए कि एक प्रकार का वो राजा ही है, हम उनको राजा के नजर से ही देखते हैं। वो हमारे जिला के, वो हमारे जिलाधिकारी है, धरना में भी शामिल हो गए दोस्तों। तो राजा का होता है कि प्रजा के बारे में सोचना, तो पैनल का उसी साथ तो है। हम अपने राजा से हमसे पता करने के लिए हम आए थे, आप हम सभी को कुछ न कुछ आश्वासन दे, क्योंकि हमारे सामने तीन तीन राजा जी मतलब जिलाधिकारी महोदय चले गए, अब आप आए, आपका हम लोग क्या हम लोग का कहीं रोजी रोजगार का साधन हो जाएगा। उन्होंने उसमें यह फॉर्म निकाल के दिया और हम लोगों ने फॉर्म भरा, लेकिन आज तक हम लोग को भटकते भटकते 8 साल बीत गया, अभी तक हम लोग का कुछ नहीं हुआ। कभी ऑनलाइन होता है, कभी ऑफलाइन होता है। यदि ऑफलाइन होता है तो ऑनलाइन क्यों हुआ, ऑनलाइन हुआ तो ऑफलाइन क्यों हुआ? ऐसा आश्वासन देने के बावजूद भी हम लोग आशा पर टिके हुए हैं, इसलिए उनसे निवेदन है कि मेरी पुकार को सुना जाए और हमारे साथ न्याय किया जाए। जय हिंद, जय भारत। भागलपुर में आज घनघोर बारिश हो रहा है। हमारे सारे कर्मचारी पैनलधारी वाला समय धरना किए थे, लेकिन बारिश के कारण छत के नीचे मीडिया के माध्यम से हमने अपनी परेशानियों को बताने का काम किया, लेकिन ये नीतीश सरकार के कान पे जू नहीं रहेगा, नहीं सुनता। इसके लिए आज हमको लगता है कि आर उग्र होना पड़ेगा। ये सरकार का देखो गंदा है, ऐसा भी काम है नहीं किया जा सकता, इसलिए हम लोग संपर्क करेंगे। कभी आरक्षण मास्टर दे देता है, कभी बाद में सिस्टम बना देता है, जबकि चतुर्वर्गीय बहाली का पैनल में बिहार सरकार का रूल है 73% का। अभी तक जो बहाली हुआ है
इसी रूल के तहत 65 के अनुसार से ही होते आया है। डीएम के द्वारा जब अभी 2015-16 में बहाली हुआ है रूल सरकार का जो चतुर्वर्गीय का 65 उसी के अनुसार से हुआ है। क्या मांग है आपका? हम लोग का मांग है कि ऑफिसर नियुक्ति किया जाए, क्योंकि हम लोग का एज खत्म हो गया है और हम लोग एकदम रोड पर आ गए हैं। हम लोग का न शिक्षा व्यवस्था हो रहा है सही से मेरे बच्चे का, न हम लोग का खाना पीना, हम लोग का दैनिक स्थिति बहुत ही खराब हो गया है। हम लोग मांग नहीं होगा तो नीतीश सरकार के पास जाके उनके पास धरना प्रदर्शन करेंगे कि हमारी मांग को सुना जाए सर। हम लोग बेहाल हो गए हैं, हमारे बच्चों का हाल बेहाल है, न शिक्षा हो रहा है न स्वास्थ्य हो रहा है, सभी लोग रोड पर हैं। हम लोग की एज भी नहीं रही अब आवेदन करने की। इसलिए सरकार से हमारी मांग है कि अविलंब इस पर ध्यान दिया जाए और अविलंब इस पर नियुक्ति किया जाए, क्योंकि 8 साल मामला हो गया है। इतना दिन हो जाने के बाद भी आखिर क्यों हुआ? आखिर पैनल ऐसा क्यों हो, क्या क्यों हो रहा है कि नहीं बहाली हो रहा है? क्या कारण है? सब जगह गड़बड़ हो रहा है। हमारा नाम गोपाल कृष्ण कुमार बिहार अध्यक्ष युवा संघ का हाईकोर्ट का ऑर्डर भी हो गया है, नहीं किया देखिए धरना प्रदर्शन में है चतुर्वर्ग के कर्मचारी का, हम भी उसमें शामिल हैं और मीडिया वगैरह सब चैनल पर चैनल चलाने वाला सब आ चुका है और शाम हो चुका है, बारिश में भीग गए हैं, बारिश भी बहुत हुआ भागलपुर में। कितना भीड़ लगा हुआ है पूरा के तरफ और फिर दूसरे दिन धरना प्रदर्शन में आएंगे, जुटेंगे सारे ग्रुप में, अगर जानकारी होगा तो ठीक है।